फाइनली गाइस दशहरा का दिन है, दूसरों को ही बने हैं और बहुत ही ज्यादा क्राउड है भाई, पूरे मंडला के निकल चुके हैं। और आप देखिए इतना क्राउड है, ये चिलमन चौक है हमारा। ब्लॉग पर बने रहना, हम और भी माता रानी के दर्शन कराएंगे और माहौल हमारी जो की मंडला में है वो वाला दर्शन करवाएंगे मोमेंट। देखिए भंडारा, ये देखिए यहाँ पर मिलता है जलेबी, ज्यादा मिलता है इधर। गांव गांव से आते हैं भाई माता का दर्शन करने के लिए, और दशहरा में आज विसर्जन है तो मैया का दर्शन करने के लिए। ये हम पहुंच गए बस स्टैंड, और बस स्टैंड की माता रानी का हम अच्छे से दर्शन कराएंगे इस ब्लॉगिंग में। और ये सिंधी धर्मशाला की जो कि माता रानी का विसर्जन है, सामने आप देख रहे हैं देवी। और ये देखिए ढोल बाजा, और ये देखिए भंडारा हो रहा है भाई, भंडारा भंडारा भंडारा, हमारे मंडला शहर का भंडारा। भंडारा में आ गए थे भाई, भंडारा मिल रहा है आलू भंडा, आलू भंडा। तो गाइस आलू बंडा इधर मिल रहा है, आलू बंडा हमें मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, ये कपड़ा पहले से आ गया है। चलो आलू बंडा के लिए लड़ेंगे हम, इतने सारी भीड़ देखो। लाओ भैया आलू बंडा देवार, आलू बंडा आलू बंडा। क्रिएटर हो क्या भैया? आओ भाई ब्लॉग ही बना रहे हैं, वो पहचान जाए आलू बंडा का एक टोर दे दो यार, बार बार नहीं आया। जय सिया राम, जय राम, जय माता दी, जय माता दी। ब्लॉगिंग करने का फायदा ये देखिए, दो आलू बंडा मिले हैं, और ब्लॉगर बनने का ये फायदा है, दो आलू बंडा मिला है। ये कितना ठुला लो, चार ठुला लगा ए
दोस्तों बारिश को आपको पता है पूरे गणेश जी पूरा परेशान कर दिया था, और हमें लग रहा था नवरात्रि में थोड़ा सा सुकून मिलेगा। पूरी नवरात्रि में एक बूंद बारिश नहीं हुई, आज इतना झमझम बारिश हुई है कि पूछो मत। पूरा रास्ता गीला कर दिए हैं, और मंडला शहर में करीब 3-4 मूर्ति जो कि विसर्जन के लिए निकले हुए हैं, तो ये कि बहुत बारिश हुई है। 15-20 मिनट ज़्यादा नहीं, मगर तेज बारिश भाई, बहुत तेज बारिश। तो भाई हम पहुँच गए हैं अभी लालीपुर पर, और लालीपुर का क्राउड देखिए आप, ये भंडारा खा रहे हैं भंडारा। इधर ये कौन सी देवी आ रही है, देवी भी जो कि निकल चुकी है, ये देखिए। सभी लोग बहुत ही प्यार से माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, हमारा भी नंबर आने वाला है थोड़ी देर बाद, और प्रसाद में खीर मिल रहा है। इतने सारे ये देखिए भाई साहब, रात के 1 बज रहा है और भंडारा, ये देखिए खीर मिला, हम आपको दिखाए, और ये सराफा बाजार में है अभी हम फिलहाल में, और खीर मिल रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा है। आ चुकी है मैया की, ये देखिए। अब माता रानी की प्रतिमा देखिए आप, बहुत ही सुंदर है, और ये ब्लॉगिंग में हमारी पहली माता रानी है जो कि विसर्जन के लिए है।
दीन की जय। जय तो फाइनली गाइस पूर्णतः माता रानी पल्ले पर आ गई आ चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों भक्त लोगों का क्राउड देखिए आप। माता की अंतिम घड़ी पर सभी लोग बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही सद्भावना से सभी लोग माँ की विदाई कर रहे हैं। ये देखिए इतने सारे पब्लिक, इधर स्टाफ के लोग हैं और नमस्कार भैया जी, और हमारे मंडल पुलिस प्रशासन भी तत्पर हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं माता रानी की विसर्जन बहुत ही पूर्णता हो चुका है। जय बड़ी शहरी की माता रानी भी पहुंच चुकी है। ये देखिए थोड़ा सा एनर्जी मैन माता रानी के लिए बचा के रखना। तो गाइस ये बड़ी खैरी की माता रानी के मैन माता रानी आपको क्रेन के अगल बगल में दिखाते हैं। ये है और उसके आइट साइड ये प्यारी प्यारी देवियां रह रही और गणपति बप्पा जी भी, और सबसे पहले गणपति बप्पा का ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से विसर्जन। हाँ भैया जय माता दी। ये देखिए जय और फाइनली गाइस बूढ़ी माई की माता जी का बहुत ही भव्यता से ये देखिए विसर्जन हो रहा है। ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।